और जब अल्लाह पाक किसी कौम पर किसी आफत का इरादा करते हैं तो उसे कोई टाल नहीं सकता और उनके लिए कोई मददगार नहीं होता तो कि हम उस मकसद को याद करें जिस मक़सद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था लाखों जानों ने अपनी जान की कुर्बानी क्यों पेश की और वो हिजरत जो पाकिस्तान की तरफ की गई बर में ये हिजरत यानी दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत बन गई तो ये क़ुरबानियाँ क्यों दी गई उन कुर्बानियों की बुनियाद वही है यानि लाला यानी इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद कि जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान हासिल किया हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें इस मुल्क को इस्लामी क़ानून के मुताबिक ढाल सकें तो वो असल में कानून क्या है यानी अया का ना अबदू अया का हम तेरी इबादत करते हैं करते रहेंगे तुझी से मदद मांगते हैं मदद मांगते रहेंगे तो कुरान करीम का जो ख़ुलासा जो है इसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी बसर करेंगे तो फिर हम पाकिस्तान के मकसद को जो है पूरा कर सकते हैं तो पाकिस्तान का मकसद जो है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा और पाकिस्तान जो है मुश्किल का शिकार क्यों है या ये कि आफात का आना मुश्किल का आना आखिर उसकी वजह क्या है क्या उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है या फिर आवाम तो अगर हम इसका जवाब जो है वो कुरान करीम से तलब करें तो कुरान करीम में ये बात आ गई

कि जो भी आफा आती हैं यानी फसाद का मतलब क्या है फसाद का मतलब यहाँ पर आफा भी है वबाई अमराज भी है या ये कि वो चीज़ें जो नफ़ा देती हैं वो नफ़ा ना दें खैर का जो है वो कम हो जाना शर का ज़्यादा हो जाना तो इसका ज़िम्मेदार कौन है यानी इसका जिम्मेदार यानी हमारे वो अमाल हैं हमारे वो माले हैं जिसकी वजह से अल्लाह पाक की तरफ़ से वो आफात आती हैं जैसे कोरोना वायरस की वबा और एक और आयत क्रीमा में भी इसकी तायद की गई कि वमा शवाबकुम मुसीबत फ़बिमा का सब ए कम वफ़ो आन और जो भी तुम्हें मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की आमाल की वजह से है वमा शवाबकुम इम मुसीबत फ़बाँ का सबद ए दी कम कसीर और वह मुआफ़ कर देता है अक्सर गुनाहों को यानी इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह पाक सारे गुनाहों की वजह से तुम्हें पकड़े तो फिर तो ज़मीन पर कोई भी चलने फिरने वाला ना रहे जिसना एक और आयत करीमा में भी ये बात आ गई कि भल्फ़ुल्लबुल्लिन मिल दाअा और अगर अल्लाह पाक इंसानों को उनके म्म की वजह से पकड़े तो ज़मीन पर चलने फिरने वाला कोई भी ना रहे दाअा यानि चलने फिरने वाला लेकिन अल्लाह पाक ने तुम्हें मोहलत दी है एक मक़र मुद्दत तक और जब वो वक्त आ जाएगा तो ना ही वो एक लम्हा आगे बढ़ सकेंगे और ना ही पीछे जो है वो आ सकेंगे तो इन आयात से ये बात पता चली कि जब तक हम अपने हमारे बद से तोबा नहीं करेंगे हम हमारे बद को नहीं छोड़ेंगे हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते तो कौम का तो मतलब ही ये होता है कि जिनके नज़रियात एक तरह के हों कौम में इतफाक़ो इतहात होना चाहिए अपने शर से दूसरों को महफूज रखना चाहिए हकूकबात और हकूक़ल्ला को पूरा करना चाहिए और इसका फिर हाल भी क़ुरान करीम ने बताया कि तुम अल्लाह पाक से तोबा करो इन नमतन जहाँ के बेशक अल्ला पाक उन्हीं लोगों की तोबा को कबूल करती हैं जो जहालत की वजह से कोई अमल कर देती हैं और उसके बाद फिर जल्दी अल्लाह पाक से तोबा करती हैं ऐसे तो लोगों की तोबा को अल्लाह पाक कबूल करती हैं और फिर तोबा करने का इस्तार करने का फ़ायदा क्या है क्या मुल्क को भी इसका फ़ायदा होता है तो क़ुरान ग्रीम में ये बात आ गई फकुल रबिनों का नगफ्फ़ारा अपने रब से तुम मुआफ़ी तलब करो बेशक वो मुआफ़ करने वाला है युर्सलकुमारा वो तुम पे जो है वो बारिश का रज़ूल करेगा वयम दिदुमान बनिन और माल से तुम्हारी मदद करेगा तो आज हर बंदा जो माली परेशानी का शिकार है कोई कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है तो उसका हल क़ुन करीम ने क्या बताया है क्या ये कि मुल्क जो है वो कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है तो उसका हल ये है कि इस्तफार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए अगर हर बंदा सो मरतबा इसतफार करे अव्वल आखिर द्रूसरे पड़े तो इसके बहुत ही अच्छे साबित होते हैं और उसके बाद इसबार का एक और फ़ायदा ये कि वन यानी बेटों से अल्लाह पाक मदद फ़रमाएंगे और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देंगे बागात जारी कर देंगे तो ये इसबार के फवाद हैं और जब हम अल्लाह पाक से मुआफ़ी तलब करेंगे अल्लाह पाक के फर्मा बरदार हो जाएंगे तो फिर अल्लाह पा की रज़ा हम हासिल कर सकते हैं तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल, आप अपनी हालत के बदलने का हमें तमाम कबीरा गुनाहों से तोबा करनी चाहिए बचना चाहिए हमें पंजगाना नमाज़ पढ़नी चाहिए अगर हम पंजगाना नमाज पढ़ते हैं और जिक्र अस्कार करते हैं तो फिर हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं अल्लाह पाक की मदद से क्योंकि हमने ये हलफ जो दिया है कि जागन आबद हुआ जागन तो ख़ुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का बागे जहाँ के गुल हैं या ख़ार हैं तो हम हैं आफरमाएँ वीडियो सुनने के बाद इसको आप शेयर भी करें ताकि हमारे लिए सदक़ा जारिया बन जाए अल्लाह पाक हमल की तफ़ीकत आफरमाएँ व मै ना अलबिलामबीन